मित्रों, शास्त्रों के अनुसार एक मनुष्य के शरीर में 11 द्वार होते हैं। माना जाता है कि जीव आत्मा मस्तिष्क के द्वार से शरीर से निकलती है। जीव आत्मा आपके कर्मों के आधार पर इन दरवाजों के माध्यम से शरीर से निकलती है। मस्तिष्क के द्वार को शरीर में मौजूद 11 द्वार में से उच्च माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जो जीव या आत्मा सिर से निकलती है, वह मोक्ष प्राप्त करके जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। इस विधि को कपाला मोक्षम भी कहा जाता है। इसलिए मृतक के रिश्तेदारों द्वारा मृत शरीर के सिर या कपाली पर डंडे से मारते हैं। ये एक तरह का रस्म है। एक बार जब चिता जल जाती है तो मुखाग्नि देने वाला बांस के डंडे से मृत व्यक्ति की खोपड़ी पर 3 बार मारते हैं, क्योंकि एक बार में वो आसानी से नहीं टूटती है, इसलिए 3 बार मारते हैं। जब वो खोपड़ी या कपाली को डंडे से मारकर तोड़ते हैं तो चिता की गर्मी की वजह से खोपड़ी जल्दी टूट जाती है। इसके अलावा एक तर्क ये भी दिया जाता है कि जब कोई मर जाता है तो सिर को डंडे से मारकर इसलिए फोड़ा जाता है क्योंकि जो तंत्र विद्या वाले लोग होते हैं, वो व्यक्ति के मरने के बाद उसके सिर के फिराक में रहते हैं ताकि इससे वो उसका दुरुपयोग कर सके। साथ में यह भी कहा जाता है कि इस सिर के द्वारा तांत्रिक उस व्यक्ति को अपने कब्जे में कर सकता है और उसके आत्मा से गलत काम करवा सकता है। शास्त्रों में लिखा है कि शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। इसलिए किसी व्यक्ति के मरने के बाद आत्मा तुरंत किसी अन्य गर्भ में प्रवेश कर लेती है। कहते हैं कि जब कोई आत्मा शरीर को छोड़ती है तो वो पूरी तरह धरती को छोड़ नहीं पाती है। कुछ दिन वो अपने प्रियजनों के पास रहती है जब तक कि स्वर्ग में अच्छी तरह से बस नहीं जाता है। तो मित्रों, हमें आशा है कि आपको आज की प्रस्तुति पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और संपूर्ण ज्ञान भंडार YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।